हाँ जी बेटा, लेंस मेकर्स फार्मूला। हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कर्व सरफेस। कर्व सरफेस को अगर हम मिलाते हैं तो एक लेंस बनता है। हमने कल लेंस के बारे में भी जानकारी ली। अब लेंस मेकर्स फार्मूला, ये फार्मूला किसी भी लेंस के लिए वैलिड रहेगा और ये फार्मूला लेंस की टोटल फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के काम आता है। जो भी लेंस हमारा किसी एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से बना होगा, उसकी दो सरफेस होंगी। जैसे कि हमने कल लेंस के केस में डिस्कस किया, दोनों का अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और R2। तो ये फार्मूला रिलेट करेगा लेंस की फोकल लेंथ को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। तो F μ R1 और R2 के बीच में एक रिलेशन जिसको हम डिराइव करना चाहते हैं। तो लेट अस चेक व्हाट इज दिस लेंस मेकर्स फार्मूला। देखो बेटे, हमारे पास मान लीजिए कोई एक कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन से लेंस को स्टडी करना चाहते हैं। कन्वेक्स कॉनकेव कोई भी ले सकते हैं। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर सी बोलते हैं इसे। चलो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है बेटा। अब इस ऑब्जेक्ट से जो रे लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी एट दिस पॉइंट, वो क्या करेगी? अगर मान लीजिए यहां पर एक ही सरफेस होती, अगर यहां एक ही सरफेस होती तो वो रे इधर चली जाती। हाँ या ना बोलो बेटे? लेकिन क्योंकि यहां दूसरी सरफेस है इसलिए ये रे यहां नहीं जाएगी। तो आगे की रे को मैं वर्चुअल शो कर दूं, अगर ये जाती तो ये यहां पर मिलती, एम राइट? और ये क्या बन जाता हमारे पास, इमेज बन जाता। बट ये फाइनल इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रे यहां पर आई, रिफ्रैक्शन होगी, इधर आ गई। अब इस सेकंड सरफेस पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये रे कहां चली जाएगी बेटा? यहां चली जाएगी। और ये बन गई हमारे पास फाइनल इमेज आई। तो इसे हम बोल देते हैं I1, इमेज फॉर्मड बाय सरफेस 1, इमेज फॉर्मड बाय। तो पहली सरफेस यहां इमेज बनाती, लेकिन क्योंकि दूसरी सरफेस भी है तो पहली से दूसरे के बीच में रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी सरफेस पर फिर से रिफ्रैक्शन हुआ और फाइनल इमेज कहां बन गई हमारे पास, आई पर बन गई। अंडरस्टूड और नॉट? ये एक्चुअल प्रोसेस होता है लेंस में। हम क्या करते हैं, यहां से लेकर इसके मिड पॉइंट तक लेकर आते हैं रे को और फिर यहां ले जाते हैं। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं बेटे, ऑब्जेक्ट और उसकी फाइनल इमेज। हम किस चीज को स्किप कर देते हैं इन बिटवीन, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस, अगर वहां वो बनाती हो। अब यहां क्या हो रहा है कि ये जो इमेज बनाई जा रही है पहली सरफेस की, पहली सरफेस के द्वारा, वो इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। वो इमेज सेकंड सरफेस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इसे हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है हमारे पास। बट कोई एक डिवाइस अगर एक ऑब्जेक्ट की कोई इमेज बनाती है तो वो उसकी इमेज हो गई। वो इमेज किसी दूसरी डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, जो एक्चुअल में फर्स्ट सरफेस की इमेज है। आया ना बोलो? ठीक है। अब इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो इफ एन ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 व्हिच इज प्लेस्ड, ए लेंस इज प्लेस्ड इन द सेम मीडियम, और अगर ऑब्जेक्ट से जो रे टकराती है, इफ ए रे इज इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट सरफेस, देन इट्स इमेज वुड बी ऑन I1, I1 इसकी इमेज होगी, एंड दैट विल वर्क एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस व्हिच विल फॉर्म द फाइनल इमेज एट I, जो कि फाइनल इमेज का बनाएगा आई पर बनाएगा। सामने एक्सप्लेन करना है। ओके बेटा, अब हमने क्या पढ़ा है, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पर दो बार कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहली बार हमारे पास जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है, कॉन्वेक्स। तो ये केस हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ये रे आई और इधर चली, ये बन गया I1। हाँ या ना बोलिए? अंडरस्टूड है? ठीक है जी। और दूसरी बार क्या हो रहा है बेटे, दूसरी बार कौन सी सरफेस है हमारे पास, कॉन्वेक्स। ये सरफेस कॉन्वेक्स है ना, ये डेंसर मीडियम होगी, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम की साइड हम चेक करें। अंडरस्टूड है? ये है हमारे पास I1
यहाँ पर इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है और यहाँ पर बन रही है इसकी रियल इमेज आई। आया ना बोली, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू वन, ये क्या है म्यू टू, ये कौन सा है म्यू टू और ये कौन सा है म्यू वन। यानी इस लेंस को मैं इन दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ ना। हाँ ना बोलू, इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। इस पार्ट के लिए हमारा फार्मूला कौन सा है बेटे बोलो। डायग्राम वन कैन बी स्प्लिट अप इन टू पार्ट्स एज शोन इन डायग्राम टू एंड थ्री रिस्पेक्टिवली। तो डायग्राम टू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर डायग्राम टू ये क्या हो रहा है बेटे, रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, रेयर से डेंसर में लाइट जा रही है, तो क्या फार्मूला था म्यू टू डिवाइडेड बाई बी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई। क्लियर है, v इमेज डिस्टेंस, इसे हम क्या मान लेते हैं बेटा v1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं v1, v1। तो v की जगह क्या आ गया v1, म्यू टू डिवाइडेड बाई v1 माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई u। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअल में u है इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई r की जगह क्या आ जाएगा r1, पहली सरफेस का रेडियस ऑफ सरफेस। कोई डाउट है किसी बच्चे को, ठीक है जी। ये होगी इक्वेशन नंबर वन। फॉर डायग्राम थ्री हम क्या लिखेंगे, डायग्राम थ्री के लिए हम लिखेंगे म्यू वन डिवाइडेड बाई बी माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर। अब डायग्राम टू के लिए हमारे पास वी क्या बेटे, वी ये है एक्चुअल वी और यू क्या है वी वन, यू क्या है वी वन। तो ये आपके पास आ गया बेटे म्यू वन डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई वी वन इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, हमने सिंपली क्या किया है, जो नॉलेज हमारे पास पहले से है रिफ्रैक्शन एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसी नॉलेज को हमने डायरेक्टली यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया है, कोई दिक्कत। अब अगर हम इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से ऐड कर दें तो एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो देखो बेटा इक्वेशन वन में म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू वन डिवाइड बाई यू प्लस म्यू वन डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई वी वन इक्वल टू दिस प्लस दिस, एम आई राइट। यहां है म्यू टू माइनस म्यू वन, यहां है म्यू वन माइनस म्यू टू, मैं इसमें से अगर माइनस बाहर ले लूं तो ये और ये सेम हो जाएंगे, तो म्यू टू माइनस म्यू वन क्या आ जाएगा बेटे कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा यहां पर क्या बचा वन बाय आर वन, हम ऐड कर रहे थे तो प्लस वन बाय आर टू आता लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वन बाय आर टू। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अब ध्यान में म्यू टू डिवाइड बाई वी वन प्लस में और माइनस में ऐड होकर जीरो बना दें, यहाँ क्या बचा म्यू वन डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इन टू वन बाई आर वन माइनस वन बाय। कोई दिक्कत, ऊपर से म्यू वन कॉमन ले लें क्या बचा बेटे वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इन टू वन बाई आर वन माइनस वन बाय। अंडरस्टूड आर नॉट, इस म्यू वन को यहां से हटा के यहां ले आए तो ये क्या बचा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, इसे मैं म्यू लिख दू सिंपली, क्या लिख सकता हूं मैं इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर। ये फार्मूला है बेटे कोई भी लेंस के लिए जो वैलिड होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला, क्योंकि इसकी हेल्प से हम कोई भी ऐसा लेंस बना सकते हैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू का होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को ये रिलेट करेगा। हाँ या ना बोलिए,
कोई डाउट है किसी बच्चे को? इज देयर एनी डाउट? ओके, अब अगर हम यू को, अगर हम इसे फोकल लेंथ से रिलेट करना चाहें, तो अगर हम यू को इन्फिनिटी पर ले लें तो वी कहां बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर ले लें तो वी कहां बनता है? फोकस पर बनता है। तो इसी में स्पेशल केस आ जाएगा। स्पेशल केस, इफ यू इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी देन वी विल बी प्लस एफ। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटे? 1 बाय एफ माइनस 1 बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू, इसे मैं सिंपली यू लिख दू, म्यू मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, हमने कंसीडर किया है कि ये वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है, माइनस 1 इनटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 1। तो ये फार्मूला है बेटे किसी भी लेंस के लिए जो वैलिड रहेगा, जो कि किसको रिलेट कर रहा है? फोकल लेंथ को, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। फोकल लेंथ को, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। तो इस फार्मूले की हेल्प से अगर आपको दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? पावर। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पावर। किसी लेंस की पावर क्या होती है? पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है बेटे? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का उल्टा कर दीजिए पावर आ जाएगी। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस दैट इज, पावर को आप लिख सकते हो 1 बाय f। तो इसका मतलब ये फार्मूला पावर के लिए भी है। हाँ या ना बोली? इसी प्रकार जो थिन लेंस फार्मूला था 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f, वहां भी 1 बाय f पावर है। इट मींस जहां भी आप 1 बाय f कैलकुलेट कर रहे हैं, समटाइम्स अगर न्यूमेरिकली पावर पूछ लिया जाए तो 1 बाय f कैलकुलेट करो, वही पावर है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को बेटा? ठीक है जी। इसका ऐसा यूनिट क्या है पावर का? पावर का ऐसा यूनिट है बेटे 1 बाय मीटर। 1 बाय मीटर। फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो 1 बाय मीटर किसका ऐसा यूनिट हुआ? पावर का। इसे क्या बोलते हैं? डायोप्टर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। कोई डाउट है किसी बच्चे को? सिमिलरली यही डेरिवेशन पूछा जा सकता है कनकेव लेंस के लिए। यही डेरिवेशन किसके लिए पूछा जा सकता है? कनकेव लेंस के लिए। कनकेव लेंस के लिए फार्मूला बनाओ और दोनों इक्वेशन लिखो, सरफेस 1 के लिए इक्वेशन अलग लिखो, सरफेस 2 के लिए इक्वेशन लिखो। अंडरस्टूड आर नॉट? दोनों डायग्राम की हेल्प से पहले आप लेंस को दो डायग्राम में डिवाइड कर लेंगे, दो डायग्राम में डिवाइड करके दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। ये पहले ही जान चुके हैं ना इक्वेशन। फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं? दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे और ऐड करने के बाद हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ दो केस हैं, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि डेराइव लेंस मेकर्स फार्मूला बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, या डेराइव लेंस मेकर्स फार्मूला बाय यूजिंग कनकेव लेंस। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है जी, आप इसे नोट कर लें जल्दी सारे बच्चे।